शादी हो रही है, कपड़े नहीं मिल रहे। वो यार रे रेड भी पहन सकती हूँ ना। और कैसे पार्टी मैंने गिवर ट्राई किए हैं। नहीं क्या गाना गाया, बंद हो कहती है तारा तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स ग्रुप चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैंने शुरू नहीं करना था, मैं अभी रिसेंट अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ। मैंने चार दफ़ा अभी क्यों बोला, यार अभी भी यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ और मुझे डिज़ाइनर के पास आना था कपड़ों के लिए, और उसने मुझे टाइमिंग दी थी 3 बजे की। ठीक है, मुझे था कि मैं आराम से यूनिवर्सिटी से आऊँगी, आगे खाना खाऊँगी और आराम से जाऊँगी, बट अभी लिटरली 4 बजने को आ गए और मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मम्मा, और ऐसा मम्मा मुझे एक बात बताएं, आप की शादी क्या अभी है जो इतना तैयार होकर आ गई हैं? लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये वाली ट्राउजर से मैच नहीं कर रहा। वो मैंने खुद ही पहना, मुझे अच्छा लगा। मम्मा की प्रो मैचिंग है, उसको भी बुला ले, वो इतना काफी तैयार हो रही है। जल्दी आओ यार, जल्दी। मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ और अब तो यहाँ चलो। आज उनके बगैर हम कितनी जल्दी तैयार हुए हैं। यहाँ पे ज़ैनब के कैमरा शुरू हो गए हैं, जाके मैंने इतने अच्छे अच्छे इस दफा मैं थोड़ा सिंपल कपड़े डिसाइड करूंगी, जैसा बल्कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस दफा आप मेरा ड्रेस डिसाइड करना, मैं इस दफा फैंस मेरा ड्रेस डिसाइड करेंगे। चलो मम्मा ने बच्चों वाली हरकत की, अपना फोन ही घर भूल रही है। ज़ैनब जाओ लेकर आओ। तो बेटा मैं भी यूनिवर्सिटी गई हूँ, तो मैंने कहा था मतलब मम्मा मैं लेकर आ रही हूं, लेकर आएगी, जाओ लेकर आओ, मैं व्लॉग बना रही हूं। मम्मा मैंने नहीं जाना यार, उसको भेजे। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए। ज़ैनब माशाल्लाह से सो चुकी है। ज़ैनब उठ जाओ, मानो ज़ैनब उठ नहीं रही है, उठ जाओ, सोने आई है, उठ जाओ उठ जाओ। वो तो पूरे सो गई है। शुक्र हम लोग पहुंच गए, यहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े देखते हैं। इस दफा मैंने बहुत अच्छे पहने, आई प्रॉमिस, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ। उठिए, उठ जाओ, सुबह हो गई ज़ैनब, सुबह हो गई, चलो स्कूल चले। ज़ैनब आपकी की शादी हो गई, तुम सो गई थी, तुम्हें पता नहीं आपकी की शादी हो गई। ज़ैनब ज़ैनब को पता ही नहीं, हनीमून के लिए दुबई गई है, इसको पता नहीं। आप पे हनीमून अपनी बहनों के साथ बैचलर्स पार्टी, इधर नहीं मम्मा, मम्मा गलत जा रही है, मुझे भी भूल गया यार, उधर जाके ना मैंने कंफ्यूज हो जाना, मेरे से कैमरा ही नहीं निकलना, मुझे देखें तो यहाँ से देखें तो कौन सा वाला रुक जाना। अगर ऐसा फाइनली पहुँच गए हैं, बंदे जाके देखते हैं। वाओ यार, ये तो ऑलरेडी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहले ही दिख गए, बट कैमरा स्टार्ट के बाद पहले करते हैं ना। अगर ऐसा फाइनली मेरे पहुँच गया, ज़ैनब अभी मैं शूट करने लगी और यहाँ पे बहुत ही अच्छे इनके कपड़े हैं, अभी मुझे ऑटोमेटिकली मेरी नज़र जा रही है, ढोलकी की भी मेरी नज़र पड़ गई है एक ड्रेस पे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरी माइयों पर भी पड़ गई है। अब मुझे चाहिए बारात का सिर्फ ड्रेस में से कोई पहन सकता ज़्यादा ओवर ना हो जाए, तो बारात का मैं सोच रही थी ब्लैक पहनूँ, है ना। देखते हैं अभी, उठ आराम से सारा देखते हैं। अगर सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से ड्रेस नहीं करे भी, ज़ैनब को बड़े अजीब है, ज़ैनब को यही बोला कि माइयों के लिए ट्राई करो, जाकर जाओ देख करो, मुझे माइयों के लिए अच्छा करके बताओ, और मैं अपने लिए ट्राई करने का सोच रही हूँ। मुझे थोड़ी पेशवास टाइप, आजकल मुझे पेशवास टाइप का बहुत जुनून चढ़ा हुआ था, खैर अभी हम पेशवास ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। और ज़ैनब कौन सा ट्राई कर रही है, तुम तो पहले कुछ और ट्राई कर रही थी, ज़ैनब ये वाला ट्राई कर रही है, यार ये बहुत प्यारा है ये वाला, तो बहुत रात पे पहन सकती है ना। और ज़ैनब जो ट्राई करके ये वो ये आई है, प्यारा है ये, बारात के लिए अच्छा लग रहा है वैसे, है ना, इसका काम बहुत अच्छा हुआ है। और गाइस मैंने सबसे पहले ये वाला ट्राई किया, मुझे लग रहा है बहुत प्लेन है, बहुत प्लेन लग रहा है, मतलब ये दूसरे इवेंट के लिए, जैसे अगर तुम्हारे मामू चाचू की, मैंने तो लोगों से प्रॉमिस किया कि मैंने सिंपल कपड़े पहने, तो इतना भी ज्यादा ओवर हो गया, इतना भी सिंपल नहीं पहना, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लास्ट टाइम तुम्हारी मीम बनी थी कि बहुत ओवर पहने से, ये इस बार तुम्हारी मीम बनेगी बहुत फीका पहना, बहुत सिंपल पे कभी मीम नहीं बनती है, मुझे पता है, बनानी है आपने। और कैसे फर्स्ट में नहीं वाला पहना, बट ये थोड़ा सा इट्स वेरी सादा, बट मैंने इस दफा सिंपल ही कपड़े पहने हैं, मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से। ओके काम करो काली, अभी मैं पता कौन सा ट्राई करने लगी हूँ, अब मैं ये वाला ट्राई करने लगी हूँ, ये वाला मुझे पता किसके लिए अच्छा लग रहा है, माइयों के लिए, और मैं ट्राई करती हूँ, देखती कैसा होता है। वाह मम्मा को भी कोई पसंद आ गया है, ठीक है पहन कर आए। ये आपको पता है किसी बहन के लिए अच्छा लग रहा है, वलीमे के लिए अच्छा लग रहा है पहन के। और कैसे फाइनली मैंने ये वाला ट्राई किया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है फॉर माइयो, लेकिन अभी और भी ट्राई करते हैं। हमेशा सारी दुकानें फिर कर फिर आपको लास्ट वाली दुकान पर आना होता है, पहले मैं सारी ड्रेसेस देखूंगी फिर लास्ट वाले पे आऊंगी। और मम्मा वाह मेरा कैसा लग रहा है, अच्छा पीला, आपका प्यारा। और कैसे फाइनली मुझे मेहंदी के लिए मैंने ये डिसाइड किया है, नहीं अभी नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है ये वाला, सोच रही हूँ मेहंदी के लिए, बट अभी और हम ऑप्शंस देखते हैं। हेलो ज़ैनब तो पूरा टिशन टैट कपड़े ले आई है तैयार के लिए, मेरा देखो ये वाला कैसा लग रहा है ज़ैनब,
उसे पहनने देखना ये वाला मेरा कैसा लग रहा फॉर मेहंदी प्यार है बनो कहती मैंने क्या गाना गाया बनो कहती बट मैं ना अभी और भी डिसाइड प्यारा यार है एक जूता भी घूम कर मम्मा इधर कपड़े दो जूते दिए दोनों ही घुमा के ये वाला दिखाएं कैसे प्यार है बट इतने कपड़े ट्राई कर लिया मेरा समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं इतनी कंफ्यूजन हो रही है ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हमने इधर ये तैयारी हूँ मैंने लेकिन फिलहाल अभी इनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ फाइनल किया कंफर्म अभी आप लोग के लिए वो सरप्राइज अभी नहीं दिखाऊंगी जैनब ने भी कोई एक चीज़ फाइनल किया वो भी आप लोग को लिया मेरा जूता जैनब आ जाओ अब माय गॉड सो फाइनली जैनब ने ये वाला लिया नहीं ये नहीं अच्छा मुझे पसंद नहीं प्यार है बट लाइक नहीं हाँ और ये इतना गंदा मेहनत का काम है गाइस बहुत मेहनत का काम है मुझे लगा था कि ना मैं एक ही दिन में सब सिलेक्ट कर लूंगी बट इट्स नॉट इजी मैन कपड़े पहनने और उतारने होते हैं उसी में बहुत मुश्किल काम है और फिर पकड़ के मैं सोच रही हूँ अगर यार मेरी शादी होती मम्मा मेरा खुद नहीं मिल रहा आप ढूंढो अगर मेरी शादी होती मैं क्या करती यार मैं तो रोने वाली होने रोना था मेरी शादी हो रही है कपड़े नहीं मिल रहे यार से ये थक के हार गई है और अभी ये कह रही है इसको कुछ नहीं करना हाँ यार ये प्यारा है ना देख से ना ये प्यारा साथ ही जैनब लालची हो गई है ये भी वाओ ये कितना प्यारी ये तो आप भी पहन सकती हो तो यार मुझे देखना तो ये वाओ वो जैनब ये वाला मैं उस पर वलीमे में पहन लूँ ये भी प्यारा है एक मुझे ड्रेस पसंद आया था ये वाला माइयों के लिए ना लेकिन आप भी पहने ना मेलिया ओवर है थोड़ा लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि मैं क्या पहनूँ मैं फिर हर दफ़ा गलत कर देती हूँ एक दफ़ा आप लोग बताओ मैंने दिखाओ मम्मा हाँ यही कहना इसके नीचे वाली ना वो चोली भी मिल नहीं रही है वो मिलती है तो फिर देखती हूँ जैनब को इस दफा बस थप्पड़ मारना है ये अच्छा है प्यारा है हाँ नहीं मैंने नहीं मेहंदी में कलरफुल पहनूंगी मैं सोचूँ ये वाला गाइस ट्राई करूँ ये वाला क्या कहते हैं आप लोग करूँ ट्राई चलो ये ट्राई करते हैं आप लोग कह रहे हैं तो कर लेती हूँ हाँ जी ये वाला तुमने मैं भी करने लगी हूँ ट्राई हाँ गाइस वो वाला भी मैं ट्राई नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे पूरा ही नहीं आ रहा था खैर ये तो आप ही ले सकती हैं अम्मा ये मैं सोच रही हूँ रिसेप्शन टाइप के इवेंट के लिए ना ये वाला बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है और ये तो दुल्हन ओ यार ये रेड भी पहन सकती हूँ ना प्यारा है गाइस अब हम लोग काफ़ी लेट हो गए तो हमें शायद निकलना चाहिए वाह मम्मा ये आप ही पहने फॉर उसके लिए अपने वलीमे पर पहने पीछे वो कितना मैं ना जब अपनी शादी करूँगी ना मैं तब पे फिर ऐसा ही पहनूंगी इस लड़की का देखो पहन पहन के इतना दुल्हन जितना जितना जल्दी आ जाए ना तुम्हारी शादी नहीं है आओ इधर मुझे इतनी दर्द हो रही है मेरी पूछ ये देखो जैन ने बहुत मेहनत की आज आ जाओ बेटा है गाइस अब हम लोग चलते हैं कुछ खाते हैं ओके आज साथ मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ है और अब हम लोग कुछ खाने के लिए कहीं पे जा रहे हैं क्या खाना है मम्मा आज मैं जो राबिया खिला देगी जो राबिया खिला देगी जैनब क्या खाना है जैनब को बस सेल्फीज खानी है हाँ हम लोग अच्छा सा जगह देखते हैं ना आज हम तीनों के वो लोग वहाँ पे इंजॉय कर रही हैं हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं सारे बोलो ये और गाइस फाइनली हम लोग खाने की जगह पे हम लोग नैंडोज आए हैं यहाँ पे हम लोग खाएंगे पेरी पेरी बाइट्स स्पाइसी बाइट्स खाएंगे जो हम लोग एज यूजुअल हमेशा है ना जब भी हम यहाँ पे आते हैं यही मम्मा का फेवरेट फूड है ये है ना मैं ही लेके आई मेरा फ़ोन स्टिल अभी इतनी कम चार्जिंग पे जी बच्चे क्या मैं उधर से घूम कर आई थी अच्छा कैसे हैं वेलकम ऐसे तो खाना खाते हैं यार इतनी इंटरेस्टिंग इनकी चेयर लग रही है ऐसी ना हमें भी अपने घर में बस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार हमारा खाना आ गया यम 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 ये क्या है ये मम्मा का है यम 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 मजे का दोनों बच्चों का मैंने इसमें से सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करना है क्योंकि मम्मा घर से पता क्या खा के आई है पराठा आलू कीमा और पराठा वाह और हम लोग खा रहे हैं चिकन यमी हम लोग ये मम्मा वो मेरा साइड था इधर ना आप ये पकड़ो बेटा ये मेरा ये है बहनों हम लोग तुम लोग को मिस कर रहे हैं थोड़ा पेरी पेरी बाइट्स आ गए ज़ैनब खा लो बेटा बहुत गर्मा गर्म अच्छा खैर अभी खाते हैं यम्मी ओके तो राबिया की हरकतें देख लो राबिया सामान गिराते हुए
यार भाई मेरे मुंह से सारा गया, इतनी जोर से खाया सारी छींटे मेरे मुंह में आई। अम्मा पर से सुन रही है, साथ साथ आसपास देख रही है कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। यार ये लोगों ने सबने देखा है, हंस रहे हैं लोग। नहीं हो तुम सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जो बात है। चलो खाओ, ऐसे खाया करो तुम। आए आए आए, अब आप करने लगे हैं आपको बोल। क्यों? हमें उनकी याद आ रही है ना खाना खाते हुए। चलो तुम्हें सबसे ज्यादा तीनों में से किसकी याद आ रही है? मुझे याद आ रही है सबसे ज्यादा, मुझे हिराफत की सच बोल तो आप की भी आ रही है, फातिमा की भी आ रही है। तीनों की आ रही है, जल्दी करो पता चले वो कॉल ही नहीं उठा रही। आए तो कोई भी नहीं उठा रही कॉल हमारी। एक काम करते मैं ही ज्वाइन कर लेती हूँ। गाइस इतनी स्पाइसी थी कि ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल आए, बहुत स्पाइसी थी। ओह गॉड गाइस, हमारी बहनें दुबई जाके हमें भूल गई और हमारी कॉल ही नहीं उठा रही हैं। मुझे याद आ रही उनकी, खाना खाते हुए भी उन्हें याद रख रही है। बाहर घूम रही है हमारे चाचू के साथ। मेरा चाचू नहीं है, मेरा तो कोई चाचू नहीं है। चाचू ने जूता फेंका। तुम्हारा चाचू भी हूँ मैं, तुम्हारा मामू भी हूँ। ओके गाइस, हमारी हमने खाना वगैरह खा लिया, अब चलेंगे घर। बाय अंकल। ओके चलो यार, अब घरों को चलते हैं और फिर घर जाके अब रेस्ट करते हैं और बस मम्मा आगे और बहनों को याद करते हैं और सोते हैं। मुझे नींद बड़ी आ रही हो। और मम्मा इधर क्या देख रही है पकड़ेगी? मम्मा इधर मेरी ही YouTube वीडियो निकाल के। नाइकी का बैग ले दो। मैं तुम्हें नाइकी का टिक लेके देती हूँ। बैग लिए बेटा, मेरा बेटा ये की टोपी बड़ी है ये ले लो। चलो मेरा दिल कर रहा है मैं एक यस डे करूंगी जिसमें तुम्हारा ऐसा खर्चा कराऊंगी मजा आ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ। कह रहा आज बहुत मजा आया, सारे बोलो ये दोबारा ये ले बोलो। बैग नहीं, घर में ऑलरेडी बहुत बैग है। वन जज्बा जोश ही नहीं है। अंकल भी बोल रहे हैं। चलो वन एक मिनट, वन टू थ्री ये। ओ वाह, चलो अब घर चलते हैं। घर जाके अब खाना नहीं खाना, खाना हमने खा लिया है। ओके गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और सब हम सब गाड़ी में सो गए थे और इतने मजे खींच रही। जैनब से पूछो उसको कितनी अच्छी नींद आई, इतनी मजे की। जैनब सोते सोते लोगों को कॉल कर दिया। अम्मा अब घर का दरवाजा कौन खोलेगा? मैं दीवानी कुछ ना कहना बिछाने दी जो तेरा है क्या। चलो ओ मेरा प्यारा घर आए, मैं मोना सोना कल्ला घर, अकेला था मेरा बच्चा, हाय मेरा सोना, हाय मेरा बेचारा घर अकेला था, मैं आ गई हूँ वापस। अब सोते हैं यार, मैं नहीं सोना, मुझे ना डिस्टर्ब करे कोई। गाइस सो जाओ। आगे गाइस, होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। हम लोग सब सोने लगे हैं, रात हो गई है। सो होप सो कि लाइक कर दें आप लोगों ने कर दिया, और शायद शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। एंड सिस्ट्रोलॉजी, मैं अपनी बहनों को मिस कर रही हूँ। मम्मा ने मुझे याद दिलाया, अम्मा मेरी बहनों ने आज कॉल नहीं उठाई मेरी। सो खैर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं उनको मिस किया, उन्होंने किसी व्लॉग में मिस किया। कमेंट सेक्शन में जाके ना राबिया आप लोगों को मिस कर रही है। ठीक है, बाय।